आवे, महावीर जब नाम सुनावे ना सिर हरे सपीरा गुस्म। जय 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 हनुमान गोस्वामी। दो सतवार पाठ कर होए छुट्टे बंदे महा सुख होए। जो जब पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध सखी गोरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा तुझे नाथ दया मंदिरा पवन तन में संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुर भूप सिहा राम। जय जय राम। तो कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो जी हो गया है गुड गुड वाली मॉर्निंग। बहुत तेज धूप हो गई है, धूप इतनी तेज हो गई है कि अब बाहर काम करने का मन नहीं करेगा। आज सुबह सुबह ही धूप हो गई है। सो करते हैं, लेकिन करना तो है ना काम। सो करते हैं, इसके साथ ही बढ़ते हैं जी आगे। हाँ जी, अभी मैं डाल रही हूँ प्लांट्स में पानी, क्योंकि प्लांट में पानी डालना, अभी बहुत तेज़ धूप, आज सुबह सुबह ही धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो मैंने सोचा अभी ही पानी डाल देते हैं, उसके बाद फिर मैं अंदर काम में लग जाऊँगी, तो फिर वो आ जाएगी काम करने के लिए, तो वो आंगन धो देती, उसके बाद फिर मेरा गीला करने को मन नहीं करता, फिर से दोबारा पूरा आंगन गीला हो जाता बाद में पानी डालने से, इसलिए मैंने पहले ही उसके आने से पहले ही कर दिया है, डाल दिया है पानी। और मैंने बाहर भी जो प्लांट लगे हैं उनमें भी डाल दिया। मैंने एक बेल पत्तर लगवाया था जो आजकल सावन में भोलेनाथ जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, वो चढ़ता है, सब लोग तोड़ते भी हैं, और मैंने इसीलिए लगवाया था, बाहर में ही लगवा दिया था कि जिसका मन करेगा वो तोड़ के ले जाएगा। काफ़ी ग्रो कर गया। बाकी मैंने पेड़ पौधे बाहर में लगवाए लेकिन कोई भी ग्रो नहीं किया। ये देखो भोले शंकर जी की कृपा ही है जो इतना ग्रो कर गया। तो सब उसमें से तोड़ लेते हैं और चलो जी, बहुत अच्छी बात है। हम तो नहीं जा पाते मंदिर, चलो भोलेनाथ को किसी के हाथों से तो चढ़ जाता है। सो ये बात थी, तो आप वो भी देखना। ये हैं बुद्धा जी, इसमें भी मैंने प्लांट लगाया हुआ है। अब मैं चलूँगी बाहर गेट के बाहर। ये तुलसी जी हैं, तुलसी जी को भी मैंने पानी डाल दिया है। ये अपराजिता का पौधा है, ये घर में लगाना जो बहुत ही शुभ होता है। इसके फूल माता रानी को चढ़ते हैं। और बस जी, इसके साथ ही बाहर थोड़ा गेट में भी पानी डाल दूँगी, उसके बाद फिर अंदर के काम करने शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी गेट पर, गेट में पानी डाल दिया था और प्लांट में भी पानी डाल दिया था। आपको मेरे प्लांट कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और आजकल जो है ना जी, ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों के टाइम में तो पानी वानी खूब डालते रहो तो बहुत अच्छी ग्रीनरी बनी रहती है। अगर आप एक दिन पानी ना डालो तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, प्लांट्स एकदम से सूख जाते हैं। सो ये है कि सुबह शाम जिस दिन ज़्यादा तेज़ धूप पड़े तो सुबह शाम ही डालना पड़ता है। ये था मेरा बेलपत्तर का पेड़। ब्रेकफास्ट बनाने, ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी आज मैं मिस्सी रोटी, और मेरी बची हुई थी सब्जियाँ और सब्जी दाल भी बची हुई थी, मैंने सब में आटा गूंधा और अब बनाऊँगी उसकी पराठे, क्योंकि वेस्ट करने को कुछ भी मन नहीं करता। गर्मी आप देख रहे हो, मैं पसीना अपना पोछ रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मन नहीं करता है कि कोई चीज़ वेस्ट करें, और फिर मैंने उसी में आटा गूंध लिया। अब दोपहर के लिए कुछ और दाल सब्जी बना लेंगे, ब्रेकफास्ट में हो जाएगा ये मिस्सी रोटी। पसीना बहुत आ रहा, बहुत आ रहा, बहुत आ रहा, हालत ख़राब है पसीने से। आज धूप सुबह ही निकल आई है, खूब तेज़ धूप निकली है। अभी मैं प्लांट में पानी डाल के आई हूँ, अब आ करके मैं अंदर, मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट बना लूँ क्योंकि उसके बाद फिर आराम से दाल सब्जी भी बनाऊंगी, लंच के लिए भी बनाना है कुछ, वो बना करके फिर आराम से बैठेंगे, क्योंकि गर्मियों में कुछ एक्स्ट्रा काम करने को मन ही नहीं करता है। मेरे बहुत काम पेंडिंग पड़े हुए हैं लेकिन गर्मी की वजह से नहीं मन करता है। सो अभी मैं पसीना चूरा मेरा पसीना, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा मौसम चेंज है उसके बाद सारे काम करने हैं। अब देखिए चलिए जी, इसके साथ ही बनाते हैं ब्रेकफास्ट। ये मैंने लगाया हुआ है आटा, इसका दाल और सब्जी मैश करके, सब्जी को मैश किया, दाल को तो नहीं किया। इसका मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। गैस जला देते हैं, तवा हो जाए मेरा गर्म, उसके बाद फिर करते हैं। यहाँ पर मैं लगी थी अभी परौंठे बनाने,
परौंठे बनाने इसके बहुत ज़्यादा आटा कम था और सब्ज़ी और दाल उसमें ज़्यादा डल गई थी, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से बन रहे थे, बहुत टूट रहे थे। तो मैंने बहुत आराम आराम से बनाए। पहले मैंने आटा सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि फिर थोड़ा सा हार्ड हो जाता तो रोटी बनती, लेकिन तब भी रोटी बहुत ज़्यादा टूट रही थी। सो जी ऐसे बनी आज मेरी रोटियां, लेकिन टेस्टी बहुत लगी हैं, स्वाद बहुत लगी, भले टूटी हूँ लेकिन बहुत अच्छी लगी थी, बहुत खस्ता बनी थी। सो इसके साथ ही आगे अब आप देखना, आज तो मेरा खाली ब्रेकफास्ट का ही काम रहा है, और मैंने कुछ जो सब्ज़ी बनाई उसकी वीडियो मैं कल डालूँगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि इतनी लंबी वीडियो कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। सो जी यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ परौंठों को, तेल लगा के सेक रही हूँ, तल रही हूँ। सो ऐसे मेरे बनते हैं परौंठे, एक के साथ मैं दो दो परौंठे बना लेती हूँ। थोड़ा सा जो घी उसमें एक्स्ट्रा लगा रहता है तो दूसरे वाले में लग जाता है, इसलिए मैं परौंठे के ऊपर डाल देती हूँ। ये तवा ना मेरा, इसको बहुत हिसाब से गर्म करना पड़ता है, इसको अगर तेज कर लो तो रोटी साथ में चिपकने लगती है। और ये तवा कुछ खास नहीं है प्रेस तेज का, लेकिन बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तेज कर दो तो रोटी जलने लगती है, बहुत स्लो पर रोटी बनानी पड़ती है। करके अब बैठ गए हैं, अब आ रही है खा करके थोड़ी थोड़ी नींद। सो देखते हैं, रेस्ट करते हैं, नींद तो आने लगती है आप जानते हो। कि आज बनाए भी परौंठे ऐसे थे, वो बनाते बनाते टूट भी जा रहे थे, इतने खस्ता बने थे। सो बहुत टेस्टी बने थे, अब खा पी करके हो गए हैं सब लम लेट। उधर वो लोग भी लेटे हुए हैं, इधर मैं लेट गई हूँ, नींद आ रही है। सो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और बताएं वीडियो मतलब कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी है। सो इसके साथ ही करें बढ़ते हैं आगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए जी, इसके साथ ही बाय बाय।